हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सरी और एलकेजी के लिए वर्कशीट, जिसे आप अपने बच्चों को घर पे बना के दीजिए और अपने बच्चों को घर पे इस तरीके से बिजी रखिए ताकि साथ ही साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाए और खेल खेल में उनको पता भी ना चले कि कब उन्होंने स्टडीज़ जो है वो कम्प्लीट कर ली है। तो सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है वो सर्कल द सेम लेटर गिवन इन फर्स्ट रो। तो यहाँ पर हमने एक अलग से कॉलम बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं और यहाँ पे साइड में भी हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं। बच्चे को बोलना है कि ये जो लेटर हमने यहाँ लिखे हैं इनको इनमें से सर्च करके उसके ऊपर सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है ए पी क्यू ए एच एस एच पी टी एन पी एम। ये देखिए यहाँ स्टार्टिंग में मिल गया हमें S U B F S। इस तरीके से क्या है, बच्चे को लेटर की जो रिकग्नाइजेशन है वो अच्छे तरीके से होगी। साथ ही साथ जब आप बच्चे को इस तरह की वर्कशीट बना के देते हैं तो उससे जो लेटर्स की रिपीटेशंस हो रही है उससे बाकी लेटर्स भी उसके जो है वो स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ हमने करा है कैपिटल लेटर्स के लिए और इधर हम करेंगे स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी स्मॉल लेटर्स है, तो स्मॉल लेटर्स में भी हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हमने यहाँ पे लेटर राइट डाउन किया है एम ए सी एम, तो हमें एम भी मिल गया है। एफ एम डी ए एफ, आर बी एस टी आर, वी ए ई वी, ई जी एच ई। तो देखिए इस तरीके से दोनों लेटर्स के आप बना के दीजिए, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर्स भी। बच्चे को साथ साथ आप करवाएंगे तो इजी हो जाएगा बच्चे के लिए समझना कि कौन सा कैपिटल लेटर है कौन सा स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पैटर्न है ज्वाइन द लेटर टू द पिक्चर सेम बिगनिंग साउंड। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ की हैं और बच्चे से हमें बोलना है कि इन लेटर्स को रिकग्नाइज करके जो स्टार्टिंग लेटर है इन पिक्चर्स का उससे हमें मैच करवाना है। तो यहाँ पे हमने बनाया है सबसे पहले अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है बच्चों, अ यानी कि यू, यू से अम्ब्रेला। तो हम इसको इसके साथ मैच करवा देंगे। बॉल, और बॉल का जो बिगनिंग साउंड है वो क्या होता है, ब ब बी। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्पल, एप्पल का क्या साउंड होता है, ए। मैंगो, मैंगो म म एम। और भी हमने पिक्चर्स ड्रॉ की है तो इनको भी हम कर लेते हैं। आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे शुरू होता है, आई। काइट, क के। नेस्ट, नेस्ट में एग्स रखे हैं तो नेस्ट किससे शुरू होगा, एन से, न। एंड पी से पेंसिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है, बच्चे जो हैं वो लेटर्स को उल्टा पुल्टा लिखते हैं। आप सभी जानते हैं हम कई बार बच्चों को ए लिखने के लिए बोलते हैं तो बच्चे उसको कभी इस तरीके से बनाते हैं या बी उल्टा लिख देते हैं, सी उल्टा लिख देते हैं। तो उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए हमें इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को देनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्कल द ऑड लेटर इन द ग्रुप। यहाँ हमने स्मॉल लेटर्स के दिए हैं और यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर्स के दिए हैं। तो यहाँ पे है ए, ए ये आ गया सी, तो ये हमारा ऑड है यानी कि बाकी तो तीन ए हैं और यहाँ पे हमने सी बना दिया तो ये गलत है, रॉन्ग है। बी बी डी बी, तो ये ऑड लेटर है यहाँ पे, सी सी ये उल्टा सी बनाया है। इस तरीके से आपको करके देना है। अब कैपिटल लेटर्स में भी हम देख लेते हैं, बी बी उल्टा बी है, बी सी सी उल्टा सी है, ई ई ई ये गलत है, जे जे उल्टा जे, के उल्टा के, एंड एल ये देखिए एल जो है बच्चे इस तरीके से भी बना देते हैं तो ये रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पे हमने जो मैचिंग करने के लिए एक वर्कशीट रेडी की है, तो यहाँ हमने लिखे हैं कैपिटल लेटर्स और यहाँ पे हमने किए हैं स्मॉल लेटर्स। तो हमें बच्चे को बोलना है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर के साथ आपको मैच करना है, कैपिटल ए और हमें ढूंढना है स्मॉल ए। तो स्मॉल ए हमें यहाँ पे मिल गया है, हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे है बी, और बी को हमें मैच करना है सी ई ए एफ जी बी। इससे क्या होगा, बच्चे को दोनों लेटर्स का डिफरेंस जो है वो पता चलेगा और साथ ही साथ उसको दोनों लेटर्स भी अच्छे तरीके से रिकग्नाइज हो जाएंगे। सी डी, और डी है हमारा यहाँ नीचे, ई कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एच स्मॉल एच। तो देखिए कितना सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरीके से आप बना के देंगे तो बच्चे जो है वो बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा यहाँ पे सर्कल दी दिस लेटर। यहाँ पे हमने लिखा है कैपिटल ए और स्मॉल ए, और हमें बच्चे को बोलना है कि इसके अंदर से आपको दोनों लेटर्स को ढूंढ करके सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बी सी ए सी डब्ल्यू ए स्मॉल भी मिल गया, एम ओ जेड बी ए डब्ल्यू एस टी डी, तो हमारे यहाँ पे तीन हमें लेटर्स मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो हम ढूंढेंगे बी सी डब्ल्यू डी ए डब्ल्यू एक्स डी स्मॉल डी एम एन ए डी ओ जेड वाई डी। तो ये हमारे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट द सीरीज का क्वेश्चन लिया है और यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ लेटर्स और यहाँ पे हमने लिखे हैं कुछ लेटर्स और यहाँ पे हमने थ्री ब्लैंक्स जो है वो खाली छोड़े हैं। हमें बच्चे को बोलना है जितने ब्लैंक्स हैं उतने आपको आगे के अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे लिखने हैं। ए ए के बाद आएगा बी सी डी, अब यहाँ पे है सी, सी के बाद डी ई एफ। ये वाली वर्कशीट बनाने का रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो कई बार उनको पता होता है कि इस लेटर के बाद ये वाला लेटर आएगा, और अगर हम इस तरीके से दोबारा देखें, यहाँ सी है, यहाँ पे भी हमने सी लिखा है सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, तो बच्चे को ये आइडिया नहीं होगा कि कंटिन्यू इसके बाद ये आएगा या फिर ये वाली चीज़ आएगी। उसको ये आइडिया रहेगा कि ये मेरा यहाँ ख़त्म हो गया है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मा ने डाला है, तो इसके आगे हमें सीरीज़ को कम्प्लीट करना है। एच एच के बाद आई जे के, अब यहाँ पे है एम, एम के बाद आएगा एन ओ पी आर, आर के बाद आएगा एस टी यू। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं लेकिन मिसिंग अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, तो हमें बच्चे को बोलना है इसको कंप्लीट करने के लिए ए के बाद आएगा बी सी डी ई एफ जी लिखा है एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए कितना सिंपल वर्कशीट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द लेटर एंड कलर द सेम। तो ये जो हमने लेटर्स ऊपर लिखे हैं इनको हमने एक कलर कोड किया है, वही कलर हमारे को इसमें से ढूंढ करके लेटर्स को बच्चे से करवाना है। तो सबसे पहले लेटर है हमारा ई, और ई में है ऑरेंज कलर, तो बच्चे को आपको ऑरेंज कलर देना है और पूछना है कि इसमें जहाँ जहाँ पे ई आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको कलर करना है। तो चलिए देखते हैं, ए सी एम ई एच जी ई टी यू, देखिए ई यहाँ पे भी है लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है, कैपिटल लेटर ई यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम ढूंढेंगे लेटर जी, तो जी देख लेते हैं, जी है यहाँ पे, उसके बाद एक और है जी, तो जी हमारे टू थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ढूंढना है स्मॉल एच, और स्मॉल एच के लिए हमने किया है ग्रीन कलर, तो स्मॉल एच अब हम ढूंढेंगे, ये है कैपिटल एच, स्मॉल एच ये रहा, इसके बाद यहाँ पे है एक और, तो यहाँ पे है थ्री,
ओके नेक्स्ट कलर हमारा कोड किया है हमने पी और वो है लाइट ब्लू कलर से, तो पी हमें ढूंढना है। ये स्मॉल पी है और कैपिटल पी हमारा यहाँ पे है, तो हम इसको कर देंगे और हमारा कैपिटल पी ओनली वन है। इसके बाद है हमारा कैपिटल टी, कैपिटल टी में हमें ब्राउन कलर करना है, तो चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए टी टी एंड टी, ये हमने कर दिया है। और इस तरीके से बच्चे को जो है वो कलर की भी रिकॉग्नाइजेशन होगी, साथ ही साथ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और इस तरह के गेम से बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो होपफुली ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।